ताबड़तोड़ क्रिकेट के बीच कई खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स और पैरा पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ एक बेहद खास खिलाड़ी हैं। 35 साल इनकी उम्र है, जिस उम्र में खिलाड़ी खेलना छोड़ते हैं इस उम्र में ये इन्हें पेरिस पैरा पेरिस का ये टिकट मिला है ओलंपिक्स का और वर्ल्ड कप में आप मेडल जीत गए। हाँ जी, अभी वर्ल्ड कप में मेडल जीता है जी मैंने, सिल्वर इजिप्ट में 21 मार्च 2024 को। तो ये आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, इस मेडल को कैसे जीते वहाँ कंपटीशन के बारे में बताइए। हाँ जी, वहाँ मतलब मेरी मैंने 196 किया था जो कि ओलंपिक क्वालिफाई 189 था, तो उसके बाद मैंने 196 किया, तो इसके लिए मैंने अपना टिकट पक्का कर लिया ओलंपिक के लिए। अच्छा, इससे पहले भी आप जो एशियन गेम्स गए थे, एक मेडल इससे पहले आपको एशियन गेम्स? हाँ जी, मैंने एशियन में पैरा एशियन गेम जो चाइना में हो रहे थे मैंने जी ब्रॉन्ज मेडल जीता वहाँ पर। अशोक जी, आप के लिए एक स्ट्रगल ये था कि आप पोलियो से हुए और फिर उसके बाद गेम्स में कैसे आए और एशियन गेम्स, और उसके बाद कभी सोचा था कि आपको पेरिस मतलब ओलंपिक्स का टिकट मिलेगा, ओलंपिक्स खेलेंगे या पोडियम का सोचेंगे? नहीं जी, इतना कभी नहीं सोचा था। स्कूल लाइफ के बाद फिर कॉलेज लाइफ में पता चला था जी मेरे को सेकंड ईयर में कि पैरा पावर लिफ्टिंग गेम है। एक लड़के ने बताया कॉलेज के तब गेम हो रहे थे तभी कि पावर लिफ्टिंग एक पैरा ओलंपिक गेम है, आप इसको मैं पार्टिसिपेट करो जिसे आप अपने पैरा ओलंपिक में जा सकते हो। तब से मैंने फिर कंटिन्यू प्रैक्टिस की, एक दिन भी मिस नहीं किया मैंने। लगातार 10 साल ट्रेनिंग में कंटिन्यू 2018 तक मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया था ट्रेनिंग अपनी। और इस बीच में आपके पेरेंट्स की इकोनॉमिक हालत से मुश्किलें आई आपको? किस तरह की जो सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किलें? हाँ जी, मतलब देखो फैमिली की भी प्रॉब्लम थी क्योंकि इतने अच्छे परिवार से देने मतलब मीडियम परिवार से ही हूँ मैं और मेरा पापा गवर्नमेंट जॉब पे थे, तो फैमिली की बहुत अच्छी सपोर्ट रही है। फिर भी जे उन्होंने बहुत मेरे को आगे बढ़ाया और जिस चीज़ की मेरे को जरूरत थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो आपको कभी लोग कहते थे, कभी चढ़ाते थे या कभी ये कि खेल खेल? हाँ, मतलब ऐसे बोलते थे क्या गेम खेलेगा कि भाई पैरा से, तो उनको पता नहीं था ना कि पैरा ओलंपिक भी एक गेम है। और इसके बाद किसने आपको इंस्पायर किया, कोच ने, किसी खिलाड़ी ने? हाँ, जितेंद्र पाल जी कोच है मेरे और मैं जेपी सर तो इन्होंने मेरे को बहुत बढ़ावा किया और आगे मतलब मेरे को कुछ भी चीज़ की जरूरत होती है सभी यही प्रोवाइड करते हैं हर चीज़। और इस बीच में किसी खिलाड़ी से भी आप इंस्पायर हुए, किसी और खेल से? हाँ जी, MS धोनी है, क्रिकेटर है तो, और ये मेरे को अच्छे बहुत अच्छे लगते हैं क्रिकेटर, मैं बहुत देखता हूँ। अच्छा, आपको एक मौका ये भी आया जब आपको लगा कि गेम छोड़ देना है, आपका जो एक्सीडेंट हुआ था हड्डी वाला टूर्नामेंट के दौरान, बताइए। हाँ जी, 2018 में इंडोनेशिया पैरा एशियन गेम हो रहे थे, तब मेरी ये लेफ्ट हैंड साइड की हड्डी टूट गई वेट उठाते उठाते, तो तभी एक ऐसा हो गया था भाई अब तू दोबारा गेम नहीं कर पाएगा, ऐसे ही मतलब माइंड में सोच आ गई थी कि हड्डी टूट गई मैन तो हाथ की हड्डी होती है। फिर भी मैंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, मैंने 8 महीने के बाद दोबारा ट्रेनिंग की और फिर मैंने पैरा एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2022 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। एक संघर्ष अभी भी बाकी है नौकरी के लिए? हाँ जी, नौकरी नहीं मिली है अभी, उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। तो आपको लगता है मिल जाएगी? हाँ जी, उम्मीद है मिल जाएगी। पाइलो में आ गई है आपको? हाँ जी, उम्मीद आ रही है कि मतलब मिल जाएगी नौकरी। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के खिलाड़ी उम्मीद लगातार करते रहते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं और शायद यही वजह है कि ये खेलों में भी लगातार तरक्की करते हैं और कई लोगों को इंस्पायर करते हैं। दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।